डियर्स अस्सलाम वालेकुम, अक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान। सिंध बदमनी की आग में चल रहा है। कंदकोट कश्मोर जिला मुकम्मल तौर पर वहां पर शटर पर हड़ताल है। इंडस हाईवे को ब्लॉक किया गया है और इधर शिकारपुर में भी स्टेप फाउंडेशन की जानिब से बदमनी की आग को बुझाने के लिए क्रिमिनल्स के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है, एहतजाजी मार्च किया जा रहा है। आइए एहतजाज में शरीक शुरका से बात करते हैं और इधर पहुँचाते हैं। आइए शिकारपुर जो मनान हथराद हुकुमरान तबाह किया, असा के कबीला दहशतगर्दी दिनी अं कबीला दहशतगर्दन वे एतरा हथियार हुकूमत ना उ किथा था अचन असा चूँ अस शिकारपुर अमन पुरमन खितो असा पुरमन खितो रहन दियो। शिकारपुर पुरमन खितो असा पुरमन रहन दियो। हमारी कोशिश होगी कि दीगर रहनुमाओं से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, छा चलो साईं असा इते से फाउंडेशन तरफो मैडम शाइस्ता बलोच की आदत में आया हूं तो सिंध समूरी जगह बदनमी जी बाह में सड़े थी पई तो शिकारपुर सब का वधिक मुतासिर असा यो आवाम सा गड मुतालबो खणी आया हूं तो सिंध जो जको गरीब मानू आ वो हिंदू जे या मुसलमान हो जे बेसिकली सब सिंधी आया हूं उनन सबनी सा इंसाफ थण खबे के खेब न खंबण खबे। सर छा चंदो साईं तमाम गरीब बदनमी थी रही है इंतहाई शिद्दत का वधी हाँ ये समझो बर्दाश्त को बाहर थी वही है जैसे अमुन अमान न कायम थो तो इंतहा माशी हल तबाह थी इंसान जो आदो असा गुनाह के तरफ जुर्म की तरफ वादे तो हुकूमत घुर्ज तो मेहरबानी कर केतरो भी थी कंट्रोल कर। सर बदमनी के खिलाफ मार्च है, क्या कहेंगे? भाई हम ये कहेंगे कि जो इधर सरदारी निजाम है ये गुंडा राज चला रहे हैं, हम इनके खिलाफ निकले हैं। और कबीला रतोशान जो चल रही है ये सरदारी निजाम की है, ये इनके बंगलों से शुरुआत होती है। ये बंगले वाले सारे सरदारी निजाम जो भी है इसका पहले झगड़े में मिलो थे, हम उनके खिलाफ निकले। सरदारी निजाम के खिलाफ हैं, बंगलों के थ्रू बदमाशी हो रही है, क्राइम हो रहा है। शाइस्ता बलोच जो स्टेप फाउंडेशन के चेयर पर्सन है उनसे बात करते हैं। जैसा क्या कहेंगे आप? आज हमारी शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में रैली का इनकार किया है, यही एक ही मकसद है कि सिंध में अमन अमान बहाल किया जाए और खासतौर पर शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट जो इस वक्त बदअमनी की आग जली हुई है, बदअमनी की वो बुझाने आए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे हुक्मरान है वो सुकून की नींदें सोते हैं। जो हमारे SSP जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वो चंद लोगों को सिर्फ तहफ़ देते हैं और आवाम को तहफ़ देने में बिल्कुल वो नाकाम हो चुके हैं। चाहे ताजर बिरादरी हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे आम शहरी हो, हर तरफ से यही आवाज़ आती है कि हमें अमन चाहिए, अमन चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं और यहाँ पे जो हमारे यहाँ सिंध में कबायली दहशतगर्दी जो हाथ से फैलाई जा रही है जिसके पीछे चंद लोग हैं और चंद लोग यही नहीं चाहते कि सिंध में अमन हो। शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में आप मुझे बताएं कितने सरदार बैठे हुए हैं शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में, उनके बिरादरियों में कितने लोग मारे गए, बेगुनाह शहीद किए गए, तो वो सरदार क्यों नहीं अपनी बिरादरी के जो है फैसले करवा रहे हैं? जब उन्होंने एक आवाम उसके पीछे है, अपनी बिरादरी को बड़ा पंख किया हुआ है, उसको एक पग पहनी हुई है, तो कम अज़ कम उस पग की तो लाज रखे कि आए दिन नौजवान बेगुनाह शहीद किए जा रहे हैं, कभी किसी बिरादरी में खूना रेजी हो रही है, कभी किसी बिरादरी में खूना। जब सरदार के पीछे अपनी बिरादरी लगी हुई है, वो अपने सरदार की रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसको चाहिए कि अपनी बिरादरी में अमन अमान करवाए, क्योंकि सरदार नहीं चाहते कि सिंध में अमन अमान हो, शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में अमन अमान हो। अगर वो चाहते तो आज हमारी सिंध से जो एक मैसेज जाता था प्यार मोहब्बत का, अमन की धरती का, ये सरदार हमारी धरती को बदनाम कर रहे हैं। शाइस्ता बलोच जो कह रही थी कि सरदार जागीरदार यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे इस क्राइम के पीछे हैं, वो चाहते हैं उनकी सरदारी और उनकी जागीरदारी तब तक कायम होगी जब तक लोगों को आपस में लड़ाते रहेंगे। तो ज़रूरत इस अमर की है जो सिंध का जिंदा लाश CM है, सैयद मुझे नाम भी नहीं आ रहा उसका, उस बदबخت का जो CM है सिंध का, जो जिंदा लाश है, इस जिंदा लाश CM को मैं कहता हूँ जिंदा लाश, या तो छोड़ के जाओ या जिंदा आ जाओ और सिंध के लोगों का दर्द सुनो। कंदकोट कश्मोर पूरा जिला बंद है, शिकारपुर के लोग सराबा एहतजाज हैं, घोटकी के लोग सराबा एहतजाज हैं, लेकिन जिंदा लाश CM जिसके नाम मुझे पता नहीं है, वो पता नहीं कहाँ है, निगरान सेटअप कहाँ है? अगर निगरान सेटअप भी सरदारी का चहीता है, उनका पैरोकार है, तो उनकी कोई जरूरत नहीं है। हमें छोड़ो, जिस तरह सरदारों जागीरदारों के सहारे मरे हमें मरने दो। इसी के साथ अपने मेजबान सुल्तान को दीजिए इजाजत कि कोई हमारी आवाज़ सुनेगा और सिंध के लोगों का दर्द का जो है वो दरमान होगा। हम जुल्म जबर के खिलाफ जो रोड पर हैं, हमें जो है अमन भी मिलेगा, हमें इज्जत भी मिलेगी
और आखिरी उम्मीद यही लगाए बैठे हैं कि कोई सुनेगा, अगर किसी नहीं सुना तो खुदा तो हमारी आवाज़ सुनेगा, क्योंकि सिंध भर में एहतजाज हो रहे हैं, पूरे सिंध के लोग रोड रास्तों पर है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस बेबसी के आलम से अपने मेज़बान सुल्तान रिंद को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। बेबस, मजलूम, लाचार, पिसी हुई आवाम, इसके लिए हम पाइंदाबादी की उम्मीद ही लगा सकते हैं। थैंक यू।